सर मंगल सर, आज हमें 12-13 किलोमीटर दौड़ाकर पिरुमदार से रामनगर तक यहाँ फॉरेस्ट गार्डन में लाए हैं। यहाँ गाजर घास बहुत हो रही थी, जिस कारण यहाँ समस्या हो रही थी, पेड़ पौधे नहीं हो पा रहे थे, तो हमने यहाँ मिलकर सफाई करी। हम इतने सारे युवा अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो देश हित फैसला है गवर्नमेंट का, इससे हमें हमारी आर्मी डेवलप्ड होगी, यंग होगी। बच्चे पिरुमदारा से तकरीबन यहाँ तक 14 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, अभी इस गार्डन में काम कर रहे हैं जी। ये जो बच्चे हैं अभी वर्तमान समय में अग्निवीर अग्निपथ करके भारत सरकार ने एक नई योजना चला रखी है, जो कि हमारे इस क्षेत्र के तकरीबन 150 बच्चे कैंप में सुबह शाम आते हैं और अग्निवीर की मेरे से प्रशिक्षण लेते हैं। अभी तक मेरे कैंप से, इससे पहले मेरे को 5 साल हो गए इस कैंप को चलाते हुए, 647 बच्चे भारतीय सेना में शामिल हो गए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि यहाँ से भी ये भी बच्चे, जितने भी मेरे पास बच्चे आए, ये सब अग्निवीर का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले भी इन्होंने पुलिस का फिजिकल दिया था, जिसमें मेरे 99% से भी ज़्यादा बच्चे भर्ती पुलिस का फिजिकल निकाल चुके हैं। देखिए ये जो जगह अभी है, ये कोसी राष्ट्रीय पार्क है, जिसको कल्चर संगठन हमारा संगठन इसको पर काम करता है। यहाँ गाजर घास बहुत ज्यादा संख्या बढ़ चुकी थी और हमें पौधारोपण करना था, पौधारोपण संभव नहीं था बिना गाजर घास को हटाए। मैंने निवेदन किया मंगल सिंह जी से, जो इन बच्चों के लीडर हैं, वो अपने इन 80 बच्चों को लेके, जो भविष्य के अग्निवीर हैं, ये मान के चलिए प्रकृति इनको अपना आशीर्वाद दे रही है। आज ये 80 के 80 बच्चे आने वाले समय में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे, प्रकृति इनको अपना आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है।